नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको पता है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 स्टार्ट हो चुका है, काफी अच्छा चल रहा है। इसी बीच आसिम रियाज और रोहित शेट्टी की फाइट की बातें भी सामने आ रही हैं। जिस समय प्रीमियर मतलब जब शूटिंग चल रही थी तब भी आई थी, लेकिन अब जब प्रीमियर हो गया इसमें भी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं इनकी फाइट की चर्चाएं हो रही हैं। एक्चुअली होता ही है कि आसिम रियाज कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं सिर्फ अपने फैंस के लिए यहाँ पे आया हूँ। और वहीं पे रोहित शेट्टी इस बात से नाराज हो जाते हैं और उन्हें मारने तक की धमकी दे देते हैं, पटक देने की। तो ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसके बाद वाली बात करेंगे कि इसके बाद आखिर क्या रिएक्शन होता है आसिम रियाज का। तो आसिम रियाज जो है वो कृष्णा श्रॉफ के पास बैठे नजर आते हैं, जो कि यहाँ की कंटेस्टेंट है। और जो कृष्णा श्रॉफ है वो जॉकी श्रॉफ की बेटी है और टाइगर श्रॉफ की बहन है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों साथ बैठे नजर आते हैं और वो काफी ज्यादा रूडली बात करते हैं। कौन आसिम, उन्हें बुरा लगता है और वो ये बोलते हैं कि मैं, आप सभी को लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, तो हाँ मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो। मैं सच में बहुत ज्यादा रूड हूँ। अगर आप सभी को यही लगता है तो आप मेरे पास से चले जाइए। अगर आप मेरे पास रहेंगे और मैं कुछ, आप मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है आप सबको बुरा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीजें थी वो उन्होंने कही। जितना था बहुत बढ़िया। उसके बाद आसिम रियाज ये कहते नजर आते हैं कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, जिसको जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये बात वो कृष्णा श्रॉफ से कहते हुए नजर आते हैं। काफी ज्यादा रूड बिहेवियर रहता है उनका। आखिरकार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।